लगातार हम आपको पटना में हुए उस हादसे की लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक बड़ा विमान हादसा पटना में टल गया, क्योंकि विमान में आग लगने के बाद उसे सुरक्षित उतार लिया गया और उस दौरान यात्रियों पर जो कुछ बीता वो तस्वीरों में देखा जा सकता है, उनकी आपबीती में सुना जा सकता है। विमान में जिस समय आग लगने की घटना नोटिस की गई, उसके बाद विमान में बैठे यात्रियों ने उसका वीडियो भी बनाया। ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं चिंगारी किस तरीके से निकल रही है। टेक ऑफ करने के बाद जब विमान पटना के ऊपर उड़ान भर रहा था, उस दौरान किस तरीके से चिंगारी निकल रही थी उसके लेफ्ट विंग से, यानी बाएं विंग से, जहां बर्ड हिट हुआ यानी पक्षी के टकराने के बाद यह हादसा हुआ। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये चिंगारी की लपटें देखी जा सकती हैं। रह रहकर जिस तरीके से चिंगारियां निकल रही थी जब विमान रिहायशी इलाके के ऊपर उड़ान भर रहा था, ये आप देखिए रनवे पर टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही विमान से चिंगारी निकलती हुई देखी जा सकती हैं। विमान में बैठे एक यात्री ने ये वीडियो बनाया और उसके साथ ही विमान से निकले हुए यात्रियों ने, विमान से सुरक्षित निकाले गए यात्रियों ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था कि रह रहकर स्पार्क की आवाज आ रही थी। खिड़की से जो तस्वीर नजर आ रही थी वो कुछ इस तरह के थी जो कैमरे में कैद हुई। टेक ऑफ करने के चंद सेकंड के बाद ही इस विमान में इस तरीके से चिंगारियां निकलते हुए देखी जा सकती थी जो कैमरे में कैद हुई। खिड़की के करीब बैठे एक यात्री ने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपके साथ साझा कर रहा है। आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं ये वीडियो, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से रिहायशी इलाके के ऊपर उड़ान भरते समय इस विमान के इंजन से, यानी लेफ्ट विंग से, बाएं तरफ के डैने से ये चिंगारियां निकल रही थी और एक बड़ा विमान हादसा टल गया। अगर जरा सी भी देर हो जाती या पायलट की सूझबूझ में कोई चूक हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से रिहायशी इलाके के ऊपर ही था विमान, साथ ही इस बात की भी तस्दीक हुई है, इस बात की भी पुष्टि हुई है कि नीचे से भी लोगों ने देखा था कि विमान के एक साइड से, विमान के पंख में एक तरफ से धुआं निकल रहा है और उसके बाद जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। उसके बाद पायलट ने विमान को वापस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा और उसके बाद सभी 185 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। करीब 11:55 पर इस विमान ने पटना से उड़ान भरी थी और इसे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन ये विमान इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पटना में उतारा गया और उसके बाद विमान से सभी 185 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था ये, जिस तरीके से तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह के खौफ का मंजर रहा होगा उन यात्रियों के लिए जो इस विमान में सवार थे। कुछ पल ही सही, लेकिन वो पल कितने भारी गुजरे होंगे उन यात्रियों पे, खासतौर पर वो यात्री जो खिड़की से देख सकते थे कि विमान के डैने से, विमान के इंजन से आग की चिंगारियां निकल रही हैं। उनके लिए ये पल कितने खौफनाक रहे होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रिहायशी इलाके के ऊपर ही था ये विमान जब उड़ान भरने के चंद मिनट के बाद इस विमान के लेफ्ट विंग में, यानी पक्षी के टकराने के बाद, इस विमान के इंजन में खराबी आई और उसमें आग लग गई। और आग की ये तस्वीरें, निकलती हुई लपटें आप देख सकते हैं किस तरीके से रह रहे के चिंगारी निकल रही है और ये चिंगारियां कैमरे में कैद हुई। और इस घटना के बाद ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और एक बार फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले उस विमान में, जो स्पाइसजेट का विमान था जिसने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, करीब 12:00 इसने पटना से उड़ान भरी थी और उसके कुछ ही मिनट बाद विमान से चिंगारियां निकलती हुई देखी जा सकती थी और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। क्या कुछ कहा उन यात्रियों ने जिन्हें सुरक्षित निकाला गया, जिनकी जान तो बच गई लेकिन वो चंद पल जब विमान में वो थे, विमान आसमान में था और उससे चिंगारियां निकल रही थी, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ महसूस किया, वो सब कुछ उन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से हुई अपनी बातचीत में सुनवाया। आपने देखा अपने आँख से स्पार्क से? हाँ, नहीं स्पार्क को नहीं देखा क्योंकि मैं कहीं और बैठी हुई थी, पर मैंने सुना। अच्छा, तो आपको अनाउंसमेंट पता चला था? हाँ, अनाउंसमेंट पायलट ने अनाउंस किया तो पता चला कि कुछ है। क्या अनाउंस किया था? बोला कि देयर सम प्रॉब्लम्स और हम लोग अभी पटना वापस जा रहे हैं। ये नहीं बताया कि आग लग गई है या कोई बात?
नहीं आग लगी ऐसे नहीं बोला। आपको कब पता चला कि है? कोई फ्लाइट के अंदर ही पता चला। उन्होंने बोला कि अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन हम लोग अभी वी आर रिटर्निंग टू पटना, बस इतना ही बोला गया। तो जब फ्लाइट से आप टेक ऑफ हुआ था तो कितनी देर बाद ये आपको सुना? ये बस 10-15 मिनट के बाद ही पता चलने लगे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है बिकॉज बहुत नॉइज हो रहा था फ्लाइट में। हाँ, नहीं डगमगा नहीं रहा था बट हाँ थोड़ा सा टर्न हो रहा था, मतलब ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे जा रहा था जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ सच में ऐसे तो मैंने महसूस हुआ था उस वक्त। क्या हुआ था उस वक्त, क्या महसूस? हाँ तो मुझे लग रहा था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, अभी हम लोग अभी 2022 में है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था पहले जैसे होते थे तो। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा तो घबराहट तो होती है। आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड कि हम लोग सब लोग ठीक है, बस इतना ही है। तो आपने विमान में सवार महिला यात्री की आप बीती सुनी। एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिस तरीके से विमान के बाएं डैने में आग लगली, उसके साथ ही चिंगारी की तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई। विमान रनवे से उड़ान भरता है, आप देख सकते हैं रनवे से उड़ान भरने के बाद उसके बाएं डैने के इंजन से चिंगारी की लपटें देखी जा सकती हैं। विमान जब रिहायशी इलाके के ऊपर ही था उस दौरान लगातार उससे ये चिंगारियां निकल रही थी। और जो स्पाइसजेट की तरफ से बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो केबिन क्रू था उसने इस घटना के नोटिस करने के बाद पायलट को इसकी जानकारी दी और उसके बाद विमान को सुरक्षित उतारा गया है पटना के इंटरनेशनल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और सभी 185 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया विमान से, कीमती जानों को बचा लिया गया। तो पटना में एक बड़ा विमान हादसा टल गया, लेकिन पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर अंचल प्रकाश का इस पूरी घटना पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में अंचल प्रकाश ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनके लिए विशेष विमान की व्यवस्था भी की गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं अंचल प्रकाश जी, क्या जानकारी क्या इनपुट अब तक जो है वो मिल पाई है प्रशासन? मैडम जो फ्लाइट थी हमारी जो लैंड होने के बाद वो एयरबॉर्न होने के बाद उसमें ये पता चला कि उसमें एक इंजन में आग लग गई है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से हम लोगों ने वापस फुल इमरजेंसी डिक्लेयर करी, एयरक्राफ्ट वापस लैंड हुआ और लैंड होने के बाद सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित अलाइट कर गए हैं और अब सब सुरक्षित है। क्या जानकारी अब तक पता चल पाई है, क्या कारण रहे जिस वजह से अचानक आग लग गई स्पाइस जेट की फ्लाइट? ये मैडम मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चले। नहीं यात्री सवार 183 पैसेंजर्स प्लस 2 इन्फेंट्स और उनको अब किसी और फ्लाइट से भेजा जा रहा है, उसकी डिटेल्स अगर? उसकी व्यवस्था की जा रही है, मेरी जानकारी में 330 के आसपास एक फ्लाइट है उससे भेजा जा रहा है जो लोग जाना चाहते। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से एयरपोर्ट डायरेक्टर अंचल प्रकाश ये बता रहे थे कि किस तरीके से फुल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त जब ये खबर मिली कि विमान में आग लगी है स्पाइसजेट की उस फ्लाइट में जिसने पटना एयरपोर्ट से कुछ ही देर पहले उड़ान भरी थी और उसके बाद उसके लेफ्ट विंग में चिंगारियां निकलते हुए देखी गई, विमान को वापस उतारा गया, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं जिसमें 2 मासूम बच्चे 2 इन्फेंट भी सवार थे। इस विमान की तस्वीरें आपको बता दें, ये 2 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, एक तस्वीर उस समय की है जब विमान से निकलती हुई चिंगारियां देखी जा सकती थी और खिड़की के करीब बैठे यात्री ने अपने कैमरे से ये वीडियो बनाया और एबीपी न्यूज़ के साथ साझा किया। ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं, ये उस वक्त का वीडियो है जब विमान के टेक ऑफ करते ही उसके लेफ्ट विंग से यानी उसके बाएं पंख के पास लगे इंजन से आग की चिंगारियां निकलने लगी। उसके बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराकर वापस लौटाया गया, पटना एयरपोर्ट पर वापस उतारा गया। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब 185 लोगों को सुरक्षित इस विमान से निकाला जा रहा था, लेकिन ये चंद मिनटों का फासला जो है वो बेहद खौफनाक फासला रहा। ये जो सफ़र था वो बेहद डरावना सफ़र था, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस विमान में सवार थे, साथ ही उन लोगों के लिए जो उनके परिजन थे, क्योंकि बहुत से परिजनों ने को जैसे ही खबर मिली कि इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है वो दौड़कर पहुंचे, कई लोगों ने विमान से आग निकलते हुए भी देखी और उसके बाद जिला प्रशासन को इसके बारे में सूचित किया। स्थानीय विधायक संजय चौरसिया ने भी एबीपी न्यूज से इस पूरे मामले पर बात की, आग लगने का ठोस कारण अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन सभी सुरक्षित यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजने की व्यवस्था की गई।
संजीव चौरसिया इस वक्त हमारे साथ है, एमएलए है ये दीघा विधानसभा से, और आज यहाँ पर जो तस्वीर आई, क्या कुछ आपको जानकारी मिली क्या? चूंकि एयरपोर्ट मेरे ही विधानसभा में है, तुरंत जैसे हमको जानकारी मिली यहाँ आने का काम हुए, एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात हुई, जो लोग थे उनसे मेरी बात हुई, अंदर जाके ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पायलट पूरे क्रू मेंबर्स को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, कि तुरंत जैसे ही जानकारी मिली और इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ करवाई, सभी पैसेंजर उतर गए हैं और दूसरे फ्लाइट से जाने की पूरी तैयारी है। कारण क्या था आग लगने का? वो अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है, सस्पेक्ट किया जा रहा है, एक बार पूरी जानकारी होगी तभी बताने में स्पष्ट तक होगा। कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है, कुछ टेक्निकल रीजंस क्या रहे हो? कुछ ध्यान में नहीं आ पा रहा, असल बात यह है कि किसी को कोई ध्यान में नहीं आ पा रहा, जो होगा अलग अलग विषय हो सकते हैं। यात्रियों को उतारा गया, उनको किन किस फ्लाइट से भेजा जाएगा, क्या व्यवस्था? फ्लाइट से बात हो गई है, वो सब लोग शिफ्ट कर गए हैं, डिपार्चर की ओर चले गए हैं, सब लोग उद्दूषित तरह से, अभी दूसरे अल्टरनेटिव फ्लाइट के लिए व्यवस्था कर दिया है, एयरपोर्ट डायरेक्टर ने ही बताया है, और उस फ्लाइट से फिर सबको डिपार्चर गंतव्य स्थान पर करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि पटना में बड़ा विमान हादसा टल गया। पटना से उड़ान भरने के बाद स्पाइसजेट की उड़ान जो दिल्ली के लिए आ रही थी उसमें आग लगने की घटना सामने आई। कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। विमान के रनवे पर उड़ान भरते ही उसके बाएं डैने में यानी लेफ्ट विंग से चिंगारियां निकलते हुए देखी जा सकती थी। कैमरे में यह पूरी घटना भी कैद हुई। विमान में बैठे यात्रियों ने इसका वीडियो बनाया और एबीपी न्यूज लगातार ये वीडियो आपको दिखा रहा है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा। जब विमान पे टेक ऑफ करते ही आग की चिंगारियां देखी जा सकती थी। विमान पटना के ऊपर ही था, यानी रिहायशी इलाके के ऊपर ये विमान उड़ान भर रहा था। उस दौरान विमान के बाएं डैने से ये आग की चिंगारियां निकलती हुई देखी जा सकती थी। रनवे पर भी आप देखें अगर इस पूरे वीडियो को, जिसमें विमान रनवे पर ही था, रनवे से जैसे ही उसने टेक ऑफ किया उसके बाएं डैने से यानी बाएं पंख से यानी इंजन के पास से चिंगारियां निकलते हुए देखी जा सकती थी। और इसके बाद ही, इस घटना के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, विमान को वापस पलटाकर पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया। और अच्छी बात यह रही कि विमान से सभी 185 सुरक्षित यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।